हेलो स्टूडेंट, जेनरिक पेपर को लेकर के बड़ा एक कंफ्यूजन है अभी कुछ बच्चों में कि जो जिनका सेशन 15-18 से लेकर के जिनका सेशन 15-18 से 19-22 के बीच का रहा है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि जो आप लोग अगर एग्जाम भी दिए होंगे 15-18 सेशन के हों या 16-19 या 17-20 या 18-21 या 19-22, तो इसमें जनरली हुआ क्या था, सेमेस्टर 1 में 2 में 3 में 4 में 4 ही सेमेस्टर में जेनरिक पेपर होता है। तो जिनका फिजिक्स जेनरिक, मान के चला जाए कि सेमेस्टर 1 में जिनका फिजिक्स जेनरिक रहा है ना, जिनका फिजिक्स जेनरिक रहा है 2 में भी फिजिक्स, 3 में भी फिजिक्स, 4 में भी फिजिक्स, चारों में फिजिक्स ही जेनरिक रहा है। 15-18 के सेशन में भी सेम ऐसा ही रहा, 16-19 में भी, 17-20 में भी, 18-21 में भी और 19-22 में भी लगभग यही रहा है। लेकिन उसके बाद से जो भी सेशन हो रहे थे ना, फिर 2 जेनरिक करके लिया गया। और यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो यही कहता है कि जो भी यूजी का प्रोग्राम होगा, जो भी यूजी ग्रेजुएशन होगा, उसमें 2 जेनरिक पेपर होने ही चाहिए। और बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, साथ साथ दोनों को लेकर के चलते हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करते हैं कि सैम 1-2 फिजिक्स पढ़ा दिया आपको, फिर 3-4 जो है केमिस्ट्री पढ़ा दिया, तो हो गया 2 जेनरिक। लेकिन विनोबा यूनिवर्सिटी और BBMK यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी भी, ये लोग क्या किए हैं, कुछ 15-18 से 19-22 जितने भी सेशन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जेनरिक पेपर दिए हैं बच्चों को। जैसे कि 15-18 में भी क्या था, जो जिनका फिजिक्स था चारों सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री था चारों सेमेस्टर में केमिस्ट्री। तो ऐसे लोगों को जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जेनरिक पेपर रहा है, जिसमें हम भी हैं, तो उन लोगों को फिर से एक एग्जाम देना होगा। यूनिवर्सिटी कहता है कि 15-18 से 19-22 तक जो भी स्टूडेंट जिनका सिर्फ एक जेनरिक पेपर से ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनको एक जेनरिक पेपर का एग्जाम देना होगा। अब मेन सवाल आता है कि भाई 4 सेमेस्टर में जेनरिक पेपर होते, क्या 4 एग्जाम देने होंगे? नहीं। तो यह यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन क्या कहता है, देखिए विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का ये गाइडलाइन है, क्या है कि सत्र 15-18 से सत्र 19-22 तक के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एक जेनरिक पेपर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया है, के लिए एक विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। द्वितीय जेनरिक पेपर के 4 समसत्रों के, है ना, 4 समसत्रों के एक विशेष परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना आपके कॉलेज वगैरह से प्राप्त होगा। ये तो बताया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, कब एग्जाम होगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आने वाले दिनों में इस पर भी बताया जाएगा कि भाई कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ये BBMKU के लिए भी सेम है, ध्यान रखना है, BBMKU भी इसके साथ साथ ही चलेगा। अब एक और यहाँ पे है कि देखिए, फिर वही चीज़ था 15-18 से 16-19 के छात्रों के लिए, हालांकि 17-20 में भी मेरा सेशन जो रहा था इसमें भी वैसा ही है। 17-20 में भी आपको एक ही जेनरिक पेपर के साथ करवाया गया था, तो वो भी, और 18-21 में भी शायद, है ना। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ जानकारी दिया गया है। और बाकी उम्मीद है आप लोग को आइडिया लगा होगा कि भाई जेनरिक पेपर से परेशान नहीं होना, नॉर्मल सा एक पेपर होगा छोटा सा, जैसे आप लोग एक जेनरिक का पेपर का एग्जाम देते थे उस तरीके से एक और पेपर होगा, छोटा सा सिलेबस होगा, बस फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत से जैसे BEd जो बच्चे BEd कर रहे हैं उनको तो अभी ही जरूरत पड़ गया होगा कि BEd वगैरह से जब आप एग्जाम्स वगैरह कुछ कुछ फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर लगता है कि हाँ भाई 2 जेनरिक पेपर के मार्क्स वहाँ पर खोले जाते हैं, तो वहाँ तो है ही नहीं 2 जेनरिक पेपर। तो यही सब चीज़ें थी। बाकी आने वाले दिनों में एग्जाम्स भी होगा एक जेनरिक पेपर का, BBU में भी और BBMKU में भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, जैसे ही इसका आगे का नोटिफिकेशन आता है कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, फिर हम जानकारी देते हैं आप लोग को, ठीक है।